आज हमारे विद्यालय में ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, ये अमृत महोत्सव, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा, तो ये हमारे विद्यालय में स्टार्टिंग 2 तारीख से, अगस्त से स्टार्ट हुआ है ये कार्यक्रम, जो अब ये 15 तारीख तक चलेगा। और उसके बीच में हम डेली कभी रैली निकाली जाती है स्कूल के अंदर, तो कभी अन्य कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। तो आज ये पौधारोपण का कार्यक्रम भी बीच में हमने इसके अंदर जोड़ दिया है एक, ताकि हमारे पर्यावरण को, बच्चों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाए और इन्हें समझाया जाए कि हमें अपना पर्यावरण बचाकर रखना है। आज जो है हम देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है कि ओजोन परत की वजह से गर्म ज़्यादा हो जा रही है, और ये इसी वजह से है क्योंकि पेड़ों को निरंतर काटा जा रहा है। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए इनको प्रेरित किया जा रहा है, और विद्यालय में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विद्यालय जो है वो हरा भरा रहे, और इसलिए आज हमने इस अवसर पर हमारे विद्यालय में 500 पौधे मंगवाए हैं, और ये आज बच्चों को भी दिए जाएंगे और विद्यालय में भी लगाए जाएंगे पौधे। मैडम, जैसे सरकार द्वारा हर घर तिरंगा मुहिम चलाई हुई है, हाँ जी, उसको लेकर आपने किस प्रकार की तैयारियां की हुई है? उसके लेकर भी हमारे विद्यालय में सारी तैयारियां 2 तारीख से पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। बच्चों को हम डेली प्रेयर में बताते हैं इसके बारे में, हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो अब गवर्नमेंट ने चलाया है, ये क्यों चलाया गया है, क्योंकि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, और इस आज़ाद भारत को हमने प्राप्त करने के लिए कितने बलिदान दिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, और तभी जाकर हमें ये आज़ादी मिली। ये बातें हम बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, और तिरंगे का महत्व बताया जाता है कि इसी तिरंगे की वजह से ही हमारी शान है और हमारा अस्तित्व है, पहचान है। ये जो तिरंगा वितरण समारोह किया जाएगा वो किस दिन किया जाएगा आपके विद्यालय में? तिरंगा वितरण समारोह सर कल ही कर दिया गया है हमारे विद्यालय में जी। बच्चों को हमने तिरंगे बांटे हैं और रैली भी निकाली गई है तिरंगा इसी से संबंधित, और अन्य कार्यक्रम अब चलते रहेंगे सर, ये 15 अगस्त तक ये इसी तरह से इसी के बारे में ही, आजादी के उपलक्ष में ही ये मनाया जाएगा सारा। और भी बच्चों से या और भी जो स्कूल स्टाफ आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील हाँ। करना चाहेंगे? सर मैं सभी से यही अपील करूंगी कि सभी भारत जो शिक्षक गण हैं और ये बच्चे जो हैं, ये सभी अपने देश दिल के अंदर अपने देश के प्रति आदर सम्मान बनाए रखें और अपनी आज़ादी के इस महोत्सव को पूरे जोर शोर और उत्साह के साथ मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए बढ़कर हमारे लिए और कोई बात नहीं हो सकती, हमारे देश से बढ़कर। अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, हमारी भी कोई पहचान नहीं है। तो इसलिए मैं सभी से ही ये विनती करती हूँ कि सभी हर घर 15 अगस्त वाले दिन खास तौर पर अपने हर घर के ऊपर एक तिरंगा जरूर फहराएं सभी, और अपने दिल में जोश बनाए रखें, अपनी इस आज़ादी को कायम रखें, प्रेम प्यार से रहें, और अगर हम सब मिलकर जुलकर ही रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एकता की भावना रहेगी, तभी हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा और हम हर साल इसी तरह से अपना जो आज़ादी का उत्सव है वो मनाते रहेंगे।